नमस्कार राम जी टेक्निकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो है आचार्य चाणक्य नीति के चौथे श्लोक से हिंदी अनुवाद आप सुनने वाले हैं, यानी कि चाणक्य नीति के श्लोक संख्या 4 का जो हिंदी अनुवाद है, संस्कृत नहीं, डायरेक्ट मैं हिंदी अनुवाद के बारे में आपसे बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आखिर आचार्य चाणक्य ने चौथे श्लोक में क्या मैसेज देने की कोशिश की है अपने देशवासियों को। सबसे पहला तो ये दिया गया है कि शिक्षा के विषय में दिया गया है, शिक्षा केवल उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो ग्रहण करने के लायक हो। मान लीजिए कि मैं भी एक जो ज्ञान दे रहा हूँ आपको, जो बातें बता रहा हूँ, ऐसे में ये बातें अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करती हैं तो उसको तुरंत जो है आपको पालन करनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसको जो है उस पर चिंतन मनन करें और अपने जीवन में उसको उतारें। ऐसे लोगों को शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है जो कि आपकी बात को सुनकर चिड़चिड़ करें या फिर जो है रुष्ट हो। ऐसे लोगों को शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है। कहने का मतलब ये आचार्य चाणक्य ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा जो है जो एक नियम रहता है या फिर उनका बिहेवियर रहता है कि हमेशा कुछ लोगों को जो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ बातें जो किसी को बताई जा रही है तो ऐसे लोगों को ही बताया जाए जो कि बात को ध्यान से सुनता हो, समझता हो, ग्रहण करता हो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हो। ऐसे लोगों को शिक्षा देना लाभदायक है, वरना कोई फायदा नहीं है। दूसरा जो है फिर से स्त्री के विषय में दिया गया है, पत्नी के विषय में दिया गया है। दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करने से बुद्धिमान आदमी भी दुख उठाता है, ऐसा कहा गया है आचार्य चाणक्य नीति के चौथे श्लोक में कि अगर ऐसी कोई स्त्री है, अच्छी स्त्री है, उसका पालन पोषण कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। इसके विषय में हमने पिछले कई वीडियो में बात की। श्लोक संख्या 6 में आचार्य चाणक्य ने क्या लिखा था, हमने देखा कि स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, अपने पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए उसको, उसमें बताया गया है। आपने नहीं देखा है तो सजेशन में नीचे आ जाएगा, देख लीजिएगा या फिर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करने से बुद्धिमान आदमी भी दुख उठाता है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, चाणक्य नीति में लिखा हुआ है। वैसे दुष्ट का व्यवहार करने से दुष्ट अपने दुष्टता तो छोड़ता नहीं, चाहे वो स्त्री हो या फिर मनुष्य हो। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि भाई ऐसे दुष्ट लोगों के साथ एक तरह से न रहने में ही हित है, ऐसा मतलब सुनने में लग रहा है। तीसरा क्या है, हमेशा दुखी रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार बनाने से खुद का उत्साह भी नष्ट हो जाता है, इसके साथ ही एकाग्रता भंग होती है, इसके साथ ही आप में भी सदैव उदासी आ जाएगी या फिर आप भी उदासी में फंस जाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो इसका क्या मतलब निकलता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। हमेशा दुखी रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार बनाने से खुद का उत्साह भी नष्ट हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। हमेशा दुखी रहने वाले लोग, ऐसा आचार्य चाणक्य नहीं बोल रहे कि भाई कोई दुखी में है तो उसका साथ ना दो, लेकिन यहां पर बताने की ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोई मनुष्य है जो हमेशा हर पल दुखी में ही रहते हैं, आपने उनसे उत्साह भी किया, आपने सुख भी बांटा, फिर भी वो दुख में ही रहेंगे, उनका स्वभाव ही है। तो ऐसे में कहीं आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं या फिर उनके साथ ज्यादा आपका उठना बैठना रहता है, कहीं ना कहीं उनकी जो आदतें हैं वो आपके अंदर आ जाती हैं। और इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जब उनकी आदतें आपके अंदर आ जाएगी तो आपके अंदर भी वही दुख का कारण आ जाएगा, आप भी चिंता में डूबे रहेंगे और आपके अंदर उदासीन भावना आ जाएगी, आप उदासी में फंस जाएंगे, आप अपने कार्य में, अपने जो है धन संचित करने में, अपने परिवार में, अपने जीवन की रक्षा करने में एकाग्रता को भंग कर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा जो सुख में हो, भले सुख का मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसा हो, अरबपति हो, खरबपति हो, करोड़पति हो, ऐसा कुछ नहीं है, मन से सुखी। चाणक्य नीति में जो श्लोक दिया गया है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसीलिए मैंने इसका जो पूरा सीरीज चला रहा हूं ताकि आप लोग को भी यहां पर जो जीवन को सुधारने की और जीवन को सरल और जो है रक्षा पूर्वक जीने की जो ज्ञान है वो भी आपको मिल सके। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अपने राय भी कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमेशा जो दुखी है उसके साथ हमेशा मत रहो। आखिर कोई दुखी है, कोई किसी को सडनली कुछ मतलब आघात लगा है या फिर कुछ किसी कारण से वो दुखी है तो उसके साथ मिलो,
उसके साथ जो है उसके दुख को बांटो, लेकिन हमेशा अगर कोई नहीं होता, कोई मतलब लव में प्यार में घुस गए, इतना घुस गए कि उसमें से निकल ही नहीं रहे हैं, उनको कितना भी उत्साह दो, कितना भी दुख बांटो, कितना भी उनको हंसाओ, लेकिन वो फिर भी उसी में रह रहे हैं। मतलब उनका उनका नेचर ही ऐसा बन गया है उदासीन वाला। तो ऐसे में अगर उनके साथ आप रहोगे डेफिनेटली वो तो सही बात है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, संगति के असर तो पड़ता ही है। तो अगर आप ऐसे लोग के साथ रह रहे हो जो कि हमेशा उदासीन रहता है, तो कहीं ना कहीं आप भी उदासीन हो जाओगे। आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिस जो गलत आदतों में है, तो आपको भी वो आदत लगी जाएगी। ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो कि सुख तो है उसको, पैसा भी है, धन भी है, सब कुछ अच्छे से है, लेकिन फिर भी वो चिंता रहित रहता है, चिंता में ही सोचते रहता है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ बैठोगे उठोगे तो उसकी बातें सुनकर आप भी चिंता करने लग जाओगे। सो ये था आचार्य चाणक्य नीति का चौथा श्लोक का हिंदी अनुवाद। आपको कैसा लगा लाइक करके बताइए, वीडियो को कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।